BITV टॉप लेवल प्रोग्राम, अ 1 ईयर कोर्स ओनली फॉर अ फिनेंशियल एडवाइजर्स। सीखिए और मीडिया पर एक प्रोफेशनल स्पीकर बनिए। यही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोर्स है जो आपके बिजनेस को टॉप लेवल पर ले जा सकता है। ये कोर्स आपको कैमरा के आगे बात करने की कला को सिखाता है। ये 1 साल का कोर्स आपको एक फेमस बिजनेसमैन बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए आपको BITV के शोज में आने का मौका मिलता है। विजिबिलिटी के अलावा आपको BITV के ऑनलाइन नेशनल टैलेंट कॉम्पिटिशन के द्वारा बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट भी मिलते हैं। ऑनलाइन नेशनल टैलेंट कॉम्पिटिशन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप जिस कैटेगरी के लोगों को आपका क्लाइंट बनाना चाहते हैं, उस कैटेगरी के अनजान लोगों को बड़े ही आसानी से अपना प्रॉस्पेक्ट बना सकते हैं। इस कोर्स में पूरे भारतवर्ष से सिर्फ 40 फाइनेंशियल एडवाइजर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भारतवर्ष के एक जोन से सिर्फ 10 फाइनेंशियल एडवाइजर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल वे से आगे बढ़ाने के लिए आप नीचे गए नंबर पर फ़ोन करें या आप www.bitv.in पर विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, BITV में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले हमने BITV पर 91.2 नाम का एक प्रोग्राम कॉर्पोरेट क्लब मेंबर के साथ चालू किया था, लेकिन उस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर ने हमें फोन किया और उन्होंने हमें बताया कि वो भी BITV को अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ वीडियो उनके साथ में बनाने के बाद हमने ये गौर किया कि वीडियो बनाने में उनकी टेक्निकलिटी ज्यादा नहीं है, कंटेंट बनाने पर उनका ज्यादा जोर नहीं है और साथ ही में वो नए कस्टमर को बनाने में उलझे हुए हैं, इसीलिए वो इस काम का ज्यादा यूटिलाइजेशन या इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक 12 महीने का कोर्स तैयार किया। ये कोर्स एक फाइनेंशियल एडवाइजर को वीडियो बनाने की टेक्निकलिटी में उसे स्ट्रांग बनाता है और साथ ही में उसे नए कस्टमर को एक्वायर करने में मदद भी करता है। अब ये प्रोग्राम कैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर को मदद करता है, इस पर हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया था बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर पंजाब सिंह के, और वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लेकिन आज फिर हम देश के अलग अलग हिस्सों के कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलकर इस पर और गहरी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा जो फाइनेंशियल एडवाइजर आज हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में मुंबई से नेहा पालंडे है। नेहा जी, आप नमस्कार। हमारे साथ में रत्नागिरी से मिस्टर श्रीपाद जी है। श्रीपाद जी, आपको मेरा नमस्कार है। नमस्कार। हमारे साथ में कर्नाटक से मिस्टर सुभाष हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ झारखंड से मिस्टर नारायण हैं। नारायण जी, आपको मेरा नमस्कार है। नमस्कार सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ में सिलीगुड़ी से मिस्टर रणविजय जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये सभी के सभी बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैं आप सभी का एक बार फिर से BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, सबसे पहले श्रीपाद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप BITV टॉप लेवल प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, इस प्रोग्राम को सुनकर आपके मन में क्या सवाल आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ये प्रोग्राम के बारे BITV प्रोग्राम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तो मुझे मेरे मन में ऐसा एक प्रश्न आ गया है कि ये BITV का प्रोग्राम जो है ये किसके लिए है? आप थोड़ी इसकी जानकारी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। शिपा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और रखा कि ये प्रोग्राम किसके लिए। देखिए, अलग अलग साइकोलॉजी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, अलग अलग लेवल के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। अब कैसे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो फॉर्म
कामयाब हो चुके हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या है ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि बहुत बड़ी सोच रखते हैं कि मुझे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रिप में थोड़ी सी मार खा रहे हैं। अगर उनको कोई एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए प्रॉस्पेक्ट लाने के लिए, तो मेहनत करने के लिए बहुत तैयार है, मेहनत करने के लिए वो तैयार है, बड़ी सोच लेके बैठे हुए हैं, पूरे अंदर से अपने पूरे चार्ज है, लेकिन उनका जो उनको एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि कस्टमर उनके पास आवे, अपनी विजिबिलिटी को वो बढ़ा पावे। तो उसके लिए ऐसे लोग जो कि एक बड़ी सोच रखते हैं, एक बड़ा विजन रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रिप आने में उनको दिक्कत हो रही है, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो BITV के इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस अरे सर, यस यस सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। यस प्लीज सर, एक प्रोग्राम कैसे काम करता है LIC एजेंट्स के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए कैसा काम करता है? देखिए LIC एडवाइजर हो या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ये दिस प्रोग्राम इज नॉट ओनली फॉर LIC, ये फाइनेंशियल एडवाइजर कम्युनिटी के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। अब ये कैसे काम करता है, तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से पहली चीज तो फाइनेंशियल एडवाइजर की विजिबिलिटी बढ़ेगी। देखिए जब भी हम सेल्स के बिजनेस में होते हैं तो सबसे पहला उसका स्टेप होता है कि लोगों को पता चलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, पहले चीज तो ये है। दूसरा चीज ये पता होना चाहिए कि क्या मैं इस काम के लायक हूँ या नहीं हूँ। तीसरा स्टेप ये है कि सर्विस की कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर के बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बना के जब वो वायरल होते हैं, मेरे नोन लोगों के पास जाते हैं, मेरे अन्य लोगों के पास जाते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। फिर ये प्रोग्राम के माध्यम से मेरे जो भी आज की तारीख में कस्टमर है उनके हम वीडियो बना के, कस्टमर्स के वीडियो बना के हम अगेन वायरल करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि मैं इस काम को करने में कितना सक्षम हूँ, मैं लोगों को अच्छी सर्विस दे रहा हूँ इसलिए लोगों ने मुझे टेस्टिमोनियल दिए हैं। इसके अलावा yes. मैं किस टेक्नोलॉजी के साथ में, किस विजन के साथ में, किस सोच के साथ ये काम कर रहा हूँ, लोगों को पता चलता है कि मेरी सक्षमता कितनी है, मैं कितने दूर की सोचता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रोग्राम जो है, पहली चीज तो लोगों के दिमाग में ये चीज डालता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या लेवल पे कर रहा हूँ, मेरी सोच क्या है। इसके अलावा और भी सारी इसके अंदर चीजें हैं जो कि उसको प्रोस्पेक्ट देने में मदद करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है इस तरीके से काम करता है, उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है और प्लस नंबर ऑफ लोगों को उसके पास में लेके आता है जिनसे वो बिजनेस कर सकता है। हाँ रंजीत जी, मुझे एक बात पूछनी है। अभी आप बोले कि ऐसे काफी सारे वीडियोस आप बनाते हैं, तो लोगों को ऑनलाइन अभी काफी सारे वेबिनार और ये सब अभी ऑनलाइन सब कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में काफी लोग अभी सब ऑनलाइन ही वीडियो देख रहे हैं। तो ये आपका जो वीडियो आप बोल रहे हैं प्रोग्राम करेंगे, तो कैसा वर्क करने वाला है एक्चुअली? तो मैं नेहा जी आपका जो प्रश्न समझा हूँ, आप ये बोल रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो निकल के आए हैं, जहाँ पर लोग जो हैं, जहाँ पर लोगों को जो है वो एक एक वन वन टाइप, जहाँ पे लोगों को सुनना पड़ता है, सेशन सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ये जो प्रोग्राम है ये वैसा नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से लोग जो है 50% लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि वीडियोस जो भी हम उनको टॉपिक देंगे, फॉर एग्जांपल आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो हम आपको टॉपिक दे देंगे कि भाई इस टॉपिक पे आपने एक वीडियो बनाना है, आपके बनेगा महीने के एंड में, और जो वो आने वाला है तो आप इस टॉपिक पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तो हम आपको एक हफ्ता 10 दिन उस टॉपिक पे तैयारी करने के लिए दे देंगे। अब आप उस पर तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद में जब हमारा सेशन होगा, महीने में 2 बार हमारा सेशन होगा, तो पहला सेशन जब होगा उस वक्त आपने क्या किया वो कि आप लाइव वीडियो में बोलने वाली हैं, वो हम बोलने के लिए लगाएंगे। और आप जब बोल रही हैं तो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा कि आप वीडियो में कैसे बोलने वाली हैं, वैसे आप करके बताएंगे। तो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, तो जब आप बोल रही हैं तो दूसरे लोग आपको सुन रहे हैं, जब दूसरे लोग आपको सुन रहे हैं साइमल्टेनियसली जो फैकल्टी है वो आप में क्या कमी हो रही है, क्या गलतियां हो रही हैं, वो आपको वहीं के वहीं बता रहा है और वहीं के वहीं आपको सुधार करना है। तो 50% ऑफ टीम जो है
उनको परफॉर्म करना है, टॉपिक दिया है वो परफॉर्म करना है, और 50% ऑफ टीम जो है उनको सुनेंगी और देखेंगी कि वो कैसे परफॉर्म करती है, उनमें क्या गलतियां हो रही है। तो आपने देखा ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। फिर दूसरा जब सेशन होगा, महीने में दो सेशन होंगे, दूसरा जब सेशन होगा तो बाकी के 50% लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना है। उनको जो टॉपिक दिया है वो वीडियो में जैसा बात करने वाले हैं वैसे उनको बात करके दिखाना है, और बाकी के लोग उनको सुनेंगे कि भाई ये क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सही चीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल प्रोग्राम है। आपको पूरे इन्वॉल्व होके करना पड़ेगा, इसमें आपको सुनना नहीं है, इसमें आपको करना है। क्या होता है हाँ जी, हाँ उसमें सब्जेक्ट रहेंगे वो हम लोग सिलेक्ट करने या आप हम लोग को उसमें हेल्प करना है? हम आपको सब्जेक्ट देंगे। देखिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी जानकारी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी जानकारी एज अ कस्टमर या लोगों को होनी चाहिए, और वो जानकारी जब उनके पास में होती है ना तब वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप क्या काम करती हैं, आप क्या क्या काम करती हैं, इसके ऊपर हमको एक वीडियो बनाना है, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा आपका क्या विजन है, आप क्या सोच लेके ये काम कर रही हैं, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा आपके जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, उनको क्या सर्विसेज मिली, आपने क्या क्या उनको सर्विसेज दी, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जिनकी जानकारी अगर लोगों के पास में होती है तो वो आपकी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने के लिए। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है आने वाले 12 महीने में हम आपके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो टॉपिक हम आपको रंजीत जी, थैंक यू रंजीत जी, बहुत अच्छा आपने बताया। वेलकम वेलकम, हाँ बोलिए सर। हाँ रंजीत जी, जैसे मैं सिलीगुड़ी से हूँ, आप मेरे को एक क्वेश्चन मेरे को मन में जो आता है, जो ये सारे प्रोग्राम में किस एरिया से लोग ये प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं? रणविजय जी देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम में जो है देश के किसी भी हिस्से से, आप सिलीगुड़ी से हैं तो सिलीगुड़ी से भी जो है इस फाइनेंशियल ये जो प्रोग्राम है BITB टॉप लेवल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी ज्योग्राफी के लिए हमने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है, इसको देश के किसी भी हिस्से से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रंजीत जी, हाँ जी, मैं पालघर से गिरा से बोला, रूरल एरिया से, तो हम लोग को प्रोस्पेक्टिंग के लिए मदद कैसी मिलेगी ये प्रोग्राम से आपने? सॉरी क्या बोला आपने? प्रोस्पेक्टिंग कैसी बनेगी हमारी ये प्रोग्राम देखने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है आपका नारायण जी। ये प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जहां पर हम आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो नेहा जी के प्रश्न में मैंने उसका उत्तर दिया कि हम आपके जो है वीडियोस बनाने में मदद करेंगे, आपको महीने में दो बार सिखाएंगे, और उसके बाद में तीसरी बार जो है आपका वीडियो बनके जो है बाहर आएगा, और जब वीडियो बनके आएगा तो उससे आपकी विजिबिलिटी होगी। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि प्रोस्पेक्टिंग होने में कैसे आपकी मदद करेंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो है ऑनलाइन लाइव कॉम्पिटिशन। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होगा एक, इसको हम नेशनल कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं, और ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होगा। इस कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आप जो है, आप अभी इसके अंदर जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे कि ऑल कस्टमर भी पार्टिसिपेट करेंगे अपने, आप जो है अपने 20 जनों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, और बाकी के पार्टिसिपेंट अपने अपने सिटी से जो है 20-20 लोगों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो आप जब 20 लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये कॉम्पिटिशन काम कैसे करता है और कैसे ये आपको सामने से जो है प्रोस्पेक्टिंग ला के देगा। तो 20 जनों को इस लाइव कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में एक कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1000 लोग काम करते हैं, आप उस कंपनी के पास जाओगे और आप उस कंपनी के HR में बोलोगे कि भाई मैंने BITV के साथ में मिलकर एक नेशनल कंपटीशन रखा है जो कि ऑनलाइन कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में किसी भी टैलेंट के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें उनको कहीं पे जाके परफॉर्म नहीं करना है, अपने ही घर पे बैठ के उनका जो टैलेंट है उसका वीडियो बना के हमको देना है, और इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसको नेशनल लेवल पे भी प्राइस मिलेंगे और हमारे सिटी लेवल पे भी उसको प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, अब मान लो वो HR वाला जो है आपको बोलता है कि ठीक है आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन दीजिए, आप उस कंपटीशन के बारे में बताइए। तो पहली चीज, तो आपने उस कंपनी में एंट्री की है किस चीज के लिए? कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं, आपने उस कंपनी में एंट्री की है एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो आप सबसे यूनिक हो गए, अब तक उनको लोग अप्रोच कर रहे थे प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन आप उनको अप्रोच कर रहे हो एक कंपटीशन के लिए। अब आप वहां पे जाके बोलोगे कि भाई हमने एक BITV के साथ में 1000 लोगों के सामने बोल रहे हो,
हमने बी आई टीवी के साथ में मिलकर एक ऑनलाइन लाइव कंपटीशन रखा है, और अब अगर आप लोगों में से कोई भी टैलेंट के लोग हैं, अलग अलग टैलेंट के लोग हैं, तो मुझे 4 लोग जो है आपके यहाँ से चाहिए, जो कि अपना परफॉर्मेंस का वीडियो बना के, 2 मिनट का वीडियो बना के मुझे दे दें। तो फॉर एग्जाम्पल वहां से 10 लोग बोलते हैं कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, 10 लोगों का वीडियो लेते हो आप, 4 जनों में से उसको किसी को फाइनल करते हो, और वो 4 जन का वीडियो जो है आप 2 मिनट का वीडियो आप बी आई टीवी को देते हो। बी आई टीवी उस वीडियो को एडिट करेगा। एडिट कैसे करेगा? शुरू में वीडियो की शुरुआत में लिख के आएगा कि दिस कॉम्पिटिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय नारायण, यस सर, नारायण फाइनेंशियल कंपनी, और आपका फोटो आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, आपकी सर्विसेज आ जाएगी। उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस चालू होगा, मे बी वो गाना गा रहा है, गाना गाने के एंड में अभी इस कंपटीशन में जीत उसकी होगी जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे, ठीक है। गाने के एंड में वो ये बोलेगा कि प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि इस कंपटीशन में जीत उसकी होगी जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे। और उस वीडियो के एंड में फिर से आपका डिटेल आएगा, डिटेल ये आएगा कि दिस कॉम्पिटिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर नारायण फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, जब परफॉर्मेंस चल रहा था उसका, तो नीचे लाइन आएगी कि अगर आपको इस कंपटीशन में, टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, वो नंबर आपका होगा। अब ये वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड करके जो है आपको दे देंगे यूट्यूब का लिंक, और आप वो लिंक जो है उस फाइनेंशियल, उस कंपनी के एम्प्लॉय को दे देंगे। अब मुझे बताइए कि उस कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको जीतने के लिए बहुत सारे लाइक उसमें जमा करने हैं, तो वो क्या करेगा? वो सबको बोलेगा भाई लाइक करो, लाइक करो, तो आपने एडवर्टाइज होगा। नहीं नहीं, वो बीआईटीवी के इसमें जाने को बोलेगा सबको। नहीं, वो जो है बीआईटीवी के इसमें जाने नहीं बोलेगा, वो उसी लिंक को सबको और शेयर करेगा, सबको फॉरवर्ड करेगा, सबको फॉरवर्ड करेगा, सबको फॉरवर्ड करेगा, और आपने को ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। उससे तो नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ जाएंगे आपके लिए। सबसे पहले तो वो जो है, सबसे पहले उसके कंपनी के अंदर जो 1000 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में वो लिंक को डालेगा और सबको रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस कंपटीशन में जीत उसकी होगी जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे। फिर वो अपने फैमिली के ग्रुप में भेजेगा, फिर वो अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजेगा, फिर वो अपने कॉलेज के ग्रुप में भेजेगा, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जितने लोग हैं हर किसी को भेजेगा, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में जीतना है। हाँ, मैं क्या बोल रही है कि इन शॉर्ट वो अपना ऑफलाइन हमारी एडवर्टाइज ही करेगा, क्योंकि हमारा नंबर और ये सब उसके पास आएगा। वहाँ वहाँ पे आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर दिख रहे हो। हाँ, आप जन लोगों को दिखेंगे। तब रंजीत जी, मेरे एक सवाल है। रंजीत जी। हाँ जी। हाँ, मेरे एक सवाल है, जो ऐसे जो वीडियो बनाना है, आप हम लोगों को कैसे करके ये वीडियो बनाने में आप मास्टर बनाएंगे? गुड गुड क्वेश्चन। वीडियो बनाने में कैसे हम आपको मास्टर बना देंगे? अच्छा, ठीक है। पहले आई होप के नारायण जी का जो मैंने जवाब दिया वो क्लियर हो गया कि कैसे आपको ब्रांडिंग को मदद करेगा। ब्रांडिंग बनेगा, नॉट ओनली ब्रांडिंग, बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत सारे लोगों पर पहुंच जाएंगे हमारा नाम, तो उससे बिजनेस मिलेगा। Not only branding, वो company में basically मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि basically उस आदमी को हमारी तरफ से एक help मिलेगी कि उसका खुद का video बन रहा है। Correct। उसकी उसको ज्यादा खुशी होगी। Correct correct। मेरा भी किसी ने video बनाया तो सबको पता है। जब उसको उसको खुशी मिलती है तो automatically वो share करता है और उसमें हमारी automatically advertise हो जाती है। Correct correct। तो ये इट्स अ विन-विन सिचुएशन, इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर दैट पार्टिसिपेंट आल्सो, उसका टैलेंट का जो है वो बहुत सारे लोगों तक जा रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर का भी जो है वो बहुत सारी जगह तक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इट्स अ विन-विन सिचुएशन। अच्छा रणविजय जी, आपके प्रश्न पे आता हूँ कि कैसे हम आपको मास्टर बना देंगे। देखो, एक चीज तो हमको समझने की जरूरत है कि कब हम किसी चीज में मास्टर बनते हैं। तो कब हम बनते हैं किसी चीज में मास्टर? पहली चीज कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो नंबर वन, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं और सुनते हैं। दूसरी चीज, जब हम उस चीज को करते हैं। और तीसरी चीज, जब हम उस चीज को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हम उस चीज में मास्टर बनते हैं। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस यस, एग्जैक्टली। जैसे शुरू में कार चलाना सीख रहे थे तो किसी ने हमको बगल में बिठा के दिखाया कि भाई इस तरीके से आप जो है ऐसा पैर करिए, ऐसा करिए, तो दिखाया, हमने देखा और सुना, उसके बाद में हमने करने की कोशिश की, और फिर जब उसको बार 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 करते रहे तो आज हम ड्राइविंग करने में मास्टर हो गए। अब इस क्रिया को मैं हम कैसे करेंगे वो बताता हूँ।
तो हमने दो टीम बना देनी है। एक टीम जो है वो हम दोनों टीम को जो है एक सब्जेक्ट दे देंगे कि भाई आप इस सब्जेक्ट की तैयारी करो, इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका जो है मंथ एंड में वीडियो बनने वाला है। तो पहली चीज क्या होगी, एक टीम जो है महीने में दो बार हम जो है मीटिंग करेंगे और कम से कम 4 घंटे के हम लेक्चर लेंगे। महीने में 2 बार 4 घंटे के लेक्चर करेंगे और 4 घंटे के 2 बार लेक्चर होने के बाद तीसरी बार आपका वीडियो बनाने के लिए हम आपको बोलेंगे। तो पहली बार जब लेक्चर होगा 4 घंटे का लेक्चर होगा तो आधी टीम जो है वो उनको जो तैयारी करने दी है उसका वो परफॉर्मेंस करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, वो बोल के बताएंगे कि भाई मैं इस तरीके से बात करने वाला हूँ, जो भी 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, तो वो परफॉर्म करके बताएंगे। तो बाकी की टीम जो है, बाकी के लोग उसे देखेंगे, बाकी के लोग उसे सुनेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि ये जो करने वाला है ये इसमें क्या अच्छाइयां हैं, इसमें क्या बुराइयां हैं। तो पूरी की पूरी आधी टीम जो है वो परफॉर्म करेगी और आधी टीम उनको देखेगी। तो पहला काम हुआ यहाँ पे देखने और सुनने का। दूसरे बार में वो जो जिसने देखा है सुना है वो दूसरी बार में वो परफॉर्म करेगी। अब उनको वही करना है जो आधी टीम कर रही थी, तो वो अब वो खुद परफॉर्म करेगी, तो यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। और तीसरी बार उनको खुद लाइव अपना वीडियो बना के देना है। अब उनका लाइव वीडियो लोगों के सामने आने वाला है, हजारों लाखों लोग उनको देखने वाले हैं। अब ये क्रिया में क्या हुआ, एक फर्स्ट महीने में क्या हुआ, उसने देखा, उसने सुना, उसने किया। अब यही क्रिया अगले महीने फिर होने वाली है, फिर अगले महीने होने वाली है। तो जब मैं किसी चीज को देखता हूँ, करता हूँ और बार बार उसको करता हूँ तो मैं उसमें मास्टर बनता हूँ। तो इस तरीके से ये क्रिया, इस पूरे ही प्रोसेस में आप देखने वाले हो, आप सुनने वाले हो, आप करने वाले हो और आप बार बार करने वाले हो, इसीलिए आप जो है इस प्रोसेस में आप वीडियो बनाने में मास्टर बन जाएंगे। रंजीत जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया, वो जो मेरे को लग रहा है ये मेरे को नेशनल लेवल पे पहुंचा देगा। नो डाउट अबाउट इट रणविजय, इसीलिए रणविजय जी इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है टॉप लेवल प्रोग्राम, यानी कि आपको टॉप लेवल तक पहुंचाने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, भले ही आप आज किसी लेवल में क्यों ना हो, टॉप लेवल तक लेके जाने की ये प्रोग्राम आपको हिम्मत रखता है। और उसके साथ सारे जैसे करके आप बोले कि वो लाइक करेगा और ये होगा बाद में जो देखेगा, तो यहाँ से मेरे को प्रोस्पेक्ट भी मिलेगा, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट भी मिलने वाला है ये प्रोग्राम करके। यस यस, प्रोग्राम बनाया ही ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत सारे सेगमेंट से अलग प्रोग्राम बनेगा, इसलिए प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा, ब्रांडिंग होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ये अलग लेवल का प्रोग्राम हो गया। यस श्रीपाद जी, पूछिए। सर रणजीत जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये आप जिस प्रोग्राम के बारे में अभी आप बता रहे हैं बी आई टीवी के, तो ये प्रोग्राम कब से चालू हो जाने, कब चालू होने वाला है? देखिए आज कितनी तारीख है, 4 तारीख है, तो और में भी मैक्सिमम 15 दिन हम जो है इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हम इस लोगों को इसमें ज्वाइन करेंगे। और 21 तारीख से ये प्रोग्राम, 20 तारीख तक हम ये क्रिया करने वाले हैं और 21st of July ये प्रोग्राम जो है वो चालू हो जाएगा। मेरा इसके हेलो मेरा एक उससे कनेक्टेड ये है, इसमें BITV का क्या ये है, बेनिफिट क्या है? देखिए BITV का बेनिफिट ये है कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चार्ज फॉर दिस प्रोग्राम, तो इसका जो फीस है वो BITV का बेनिफिट है। यस सर, रंजीत जी मैं एक बात बोल रही है, पूछ रही है कि BITV का इसमें बेनिफिट है क्योंकि आप चार्ज तो करने वाले हैं, लेकिन वो फीस स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी रहेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपको कनेक्ट हो सकते, तो वो स्पेसिफाई आप करेंगे तो बेटर रहेगा। गुड क्वेश्चन यहाँ जी, इसका जो चार्ज है पूरे साल भर का इसका चार्ज जो है वो 50,000 रुपया है, लेकिन ये 50,000 रुपया जो है हम वन शॉट नहीं ले रहे हैं, इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो महीने का एक सहूलियत कर दी हमने, महीने का 4150 4,150 रुपया हम हर महीने ले रहे हैं और इस तरीके से 12 महीने में हम 50,000 रुपया ले लेते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि 4,500 ये इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है, वो तो ये 10,000 का प्रीमियम लेके आए उसमें भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसा ही 4,150 ऐसे 40 के 5 भी तो 12,000 बन जाएंगे।
12,000 की एक पॉलिसी सेल करनी है और आपको उसकी फीस देनी है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं, हाँ मैंने कैलकुलेशन करके दिया, तो इधर बैठे आपने तो परफेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। मेरा क्वेश्चन है सर, हेलो, तो रंजीत जी मैं बोल रही है कि इसके लिए एडवर्टाइज के लिए कितने लोग आप कनेक्ट 40 ही करने वाले हैं, तो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से आप कितने लोग लेने वाले हैं? फॉर एग्जांपल मुंबई से आप कितने लेंगे या पालघर से कितने लेंगे, थाना डिस्ट्रिक्ट से, तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया है या ऐसा ऑल ओवर इंडिया से कितने भी लोग आएंगे वो कनेक्ट करेंगे? यस नेहा जी, ये प्रोग्राम में हम सिर्फ पूरे इंडिया से 40 लोग ही लेंगे, पूरे इंडिया से सिर्फ 40 लोग ही लेंगे, और इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ से 10 जन को लेंगे, मतलब हर जोन से हम सिर्फ 10-10 जन को ही लेंगे, और जोन में भी अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट जोन है तो वेस्ट जोन से अगर हमको 10 जन को लेना है तो हम कोशिश करेंगे कि हर सिटी से एक ही फाइनेंशियल एडवाइजर को लें, हमारी कोशिश ये है। अच्छा, तो इसमें तो कंपटीशन रहेगी? कंपटीशन नहीं रहेगी इसमें, नहीं कंपटीशन मतलब मुझे लेना है या अभी फॉर एग्जांपल मुंबई से मुझे ले रहे हैं तो दूसरे भी लोगों को ज्वाइन करना है, तो बुक कर दी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ। यस बढ़िया, तो आज ही बुक कर दो, आज ही बुक कर देते, कार्यक्रम खत्म होते बुक हो जाएगा। राउत करके है कोई, उन्होंने बुक कर दिया, फिर इंदौर से वलेचा साहब को शायद आप जानते होंगे, उन्होंने बुक कर दिया, वो डेवलपमेंट ऑफिसर थे अभी फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन्होंने बुक कर दिया, फिर और भी है, मैं तीन जनों का तो पैसा आ गया है मेरे पास में। यस और मेरा आज आ जाएगा, मैं मेरा कंफर्म। सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो प्रोग्राम बनाएंगे फिजिकल बनाएंगे ऑनलाइन बनाएंगे, क्या मीन इसका कैसा स्ट्रक्चर है बनाने का? आई एम टेलिंग यू, ये जो प्रोग्राम है ये 95% जो है ऑनलाइन प्रोग्राम है और 5% फिजिकल, 5 या आप 2% फिजिकल बोल सकते हो। 12 के 12 जो हम हर महीने 2 सेशन लेंगे और महीने के जो 24 सेशन होंगे ये 24 सेशन ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा आपके वीडियो भी आपको अपनी जगह पर बैठकर ही बनाने हैं, आपको अपने मोबाइल की मदद से वो वीडियो बनाने हैं इस तरीके से जो है। इसके अलावा जो ऑनलाइन कंपटीशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा, आपको जो है अपने एरिया में रह के ही काम करना है, ठीक है। और आपको जो है किसी भी जगह से लोग अपना वीडियो भेजेंगे, वो वीडियो आपने हमको भेजना है, तो इट्स अ कंप्लीट ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी ऑनलाइन होगा। ओनली थिंग इस साल के एंड में जून महीने, अगले साल जून महीने में हम एक बहुत बड़ा मेगा शो करने वाले हैं, 2 दिन का बहुत बड़ा मेगा शो, उसको आप इंटरनेशनल मेगा शो भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम बाहर से भी फाइनेंशियल एडवाइजर को, बाहर के फाइनेंशियल एडवाइजर को, फॉरेन फाइनेंशियल एडवाइजर को भी इंडिया में एज ए स्पीकर इन्वाइट करेंगे। तो वो एक प्रोग्राम होगा जहां पर ये जो 40 फाइनेंशियल एडवाइजर है, इसमें जो टॉप जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जो सबसे ज्यादा जो है इस प्लेटफॉर्म में अपना इन्वॉल्वमेंट डालेंगे, ऐसे कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर को हम एज ए स्पीकर बात करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। यस यस, और इनवाइट तो सबको करेंगे। रंजीत जी, ओके रंजीत जी, मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ। यस सर बोलिए। क्या ये प्रोग्राम का फैकल्टी मेंबर कौन रहेगा? देखिए आज की तारीख में जैसा कि मैंने बताया, इसमें फैकल्टी मेंबर एक तो मैं रहूंगा, सबसे पहला फैकल्टी तो मैं हूँ, जो कि मैं हर महीने ये 24 के 24 प्रोग्राम को जो है 24 के 24 प्रोग्राम या ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में फैकल्टी मैं रहूंगा। इसमें मेन फैकल्टी जो रहेंगे वो तो जो पार्टिसिपेंट है वही मेन फैकल्टी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है हम ऐसा नहीं है कि एक फैकल्टी बात कर रहा है और लोग सुन रहे हैं, वो उस तरह का प्रोग्राम नहीं है। फैकल्टी तो बस नाम मात्र के लिए आपके साइड में खड़ा है, मेन फैकल्टी तो जो पार्टिसिपेंट है वही है, हम उनको करने के लिए बोलेंगे, उनको तैयारी करने बोलेंगे, उनको परफॉर्म करने बोलेंगे, और उन्हीं को देख के जो है बाकी के फैकल्टीज को सीखना है। दूसरी चीज जो है इसमें हमारे साथ में बिहार से पंजाब सिंह भी हमारे साथ में रहेंगे, जो जिनका की कम्युनिकेशन पे बहुत स्ट्रांग पकड़ है, बहुत सारी प्रेजेंटेशन देते हैं कई सालों से, बहुत सक्सेस, उनको प्राइड ऑफ बिहार भी बोला जाता है और बिहार के नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइजर है वो,
तो वो भी हमारे साथ में एज अ फैकल्टी हमारे साथ में रहेंगे। इसके अलावा हम हमारे एडिटर्स को भी इसमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी हम ध्यान देने का मौका देंगे इन लोगों को। बट इसमें जो सबसे बड़ा फैकल्टी है वो पार्टिसिपेंट खुद फैकल्टी है। अच्छा रंजीत जी, मुझे एक बात पूछनी है कि जो वीडियो बनाते हैं जैसे कि मोबाइल पे, तो सबकी विजिबिलिटी जो रहती है मोबाइल की वो इतनी परफेक्ट नहीं रहती है, या वीडियो कभी कभी ऐसा ठीक तरह से नहीं आते, तो वो लाइव शो में जाने के लिए देखने में कुछ ये नहीं लगते, मतलब जैसे कि क्लियर नहीं लगते, तो उसके बारे में भी आप एजुकेशन देने वाले हैं क्या, कि वीडियो कैसा बनाने का है ये, या मोबाइल कैसा रखना है, या हम लोग को कहाँ पे देखना है, ये सब आप बताने वाले हैं? इस प्रोग्राम की शुरुआत वहीं से होने वाली है, बिकॉज जो चीजें आप बता रही हैं वो तो मेन बेसिक है किसी भी वीडियो बनाने का, तो हम शुरू में यही सारी चीजें कवर करने वाले हैं, शुरू में यही सारी चीजें कवर होंगी। तो रंजीत जी मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ जी, ये प्रोग्राम जो है ना, इस प्रोग्राम के कितने शेड्यूल रहेंगे और शेड्यूल का और शेड्यूल कैसा रहेगा? देखिए, महीने में दो बार आपको चार चार घंटे के लिए, वो 21 तारीख से हम वो दो दिन दे देंगे। महीने में दो दिन कौन से होंगे, वो महीने में दो बार जो है चार चार घंटे का जो प्रोग्राम होगा, ऐसा लाइव जूम पे मीटिंग होगी, जिसमें हम दो पार्ट में टीम को डिवाइड कर देंगे। 20 जैसा कि 40 जन होंगे, तो 20 जनों को परफॉर्म करना है, 20 जनों को सुनना है, 20 जनों को अगले मीटिंग में परफॉर्म करना है, 20 जनों को सुनना है, और उसके बाद में जैसा कि मैंने बोला ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, उसके बाद में जो है वो आपको जो है एक वीडियो बना के हमको देना है, और वो हम उसको प्रॉपर एडिट करके आपको देंगे और यूट्यूब में डाल के देंगे, और आप फिर हम उसको लाइव करना शुरू करेंगे। तो एक ये शेड्यूल हो गया। उसके बाद में जो है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर महीने से हम कंपटीशन पे काम करना शुरू करेंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर तीन महीना जो है आपके वीडियोस पे काम चला, अक्टूबर महीने से हम आपके कंपटीशन पे काम करना शुरू कर देंगे। तो अक्टूबर महीने से जो है आप जो है हम आपका एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो बना के दे देंगे कि आपने जो है एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन VITV के साथ में अरेंज किया है, आप उसको एडवर्टाइजमेंट करना चालू करेंगे, लोग आपको अप्रोच करना चालू करेंगे, आप कंपनी को अप्रोच करना चालू करोगे कि भाई ऐसा कॉम्पिटिशन है, और 20 जनों का आपने टोटल इन्वॉल्वमेंट इसमें करा देना है, जिससे कि आपका प्रोस्पेक्टिंग चालू हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर महीने से आपका प्रोस्पेक्टिंग पे काम चालू हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी महीने तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा। फरवरी महीने में हम उसके जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और आपके टीम में से आपके 20 जन में से जो टॉप 3 होंगे वो टॉप 3 को, जो आपके 20 जन में टॉप 3 होंगे वो टॉप 3 को आप फरवरी महीने में ही प्राइस दे दोगे, डिक्लेयर कर दोगे, दे दोगे। लेकिन ये जो पूरे 20 ये 40 जन ने 40x20 यानी कि 800 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये 800 जन में जो टॉप 3 होंगे उन टॉप 3 को VITV जो है वो प्राइजेस देगा इन द मंथ ऑफ जून। हम उनको बुलाएंगे, जहां पर भी हम ये शो करेंगे वहां पर बुलाएंगे, और उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ में जो है VITV उनको कैश प्राइस देगा, 3 जनों को कैश प्राइस देगा और एक बड़ा शील्ड भी देगा। तो आपका जो है जैसा कि मैंने बताया, अच्छा चीज आपने बता दिया, एक्चुअली ये पूरे ही प्रोग्राम को करने में आपका 50,000 VITV पे खर्चा होगा, और 10,000 रुपया आपको उन 3 जनों को प्राइस देने में खर्चा होगा, यानी कि आपका टोटल एक्सपेंस जो है 60,000 रुपया इस प्रोग्राम में होगा। यस सर। सर इसमें मेरा एक कनेक्टेड एक क्वेश्चन है इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि यहाँ पर हमारी जो टेस्ट है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम तो इंटरकनेक्टेड है ऐसा मुझे तो लगता है, और यहाँ पर हमारी जो टेस्ट बाकी 20 एजेंट जो लेने वाले हैं, तो हम अधिकतर इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा हम आपके साथ बातचीत करने में, शेयरिंग करने में, ये हम ज्यादा करेक्ट उसमें हो सकते हैं, ऐसा मुझे एक लगता है। और इसमें हमारी जो इंटर एट द सेम टाइम हमारी इंटरनल डेवलपमेंट भी इसमें हो रही है। आप मुझसे सहमत है इस पे? 100% सहमत हूँ। देखिए, किसी भी चीज में अगर आपको एज अ बिजनेसमैन अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको थ्योरेटिकल होके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो, आप एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन सकते हो। यहाँ पर हम आपको 100% जो है वो समुन्द्र में धक्का देने वाले हैं, और आपको कुछ नहीं, या तो आपको मरना है
या तो आपको एक महान तैराक बन जाना है, वो चीज होने वाली है आपको। यस सर, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं क्या बोल रही है, अगर एक्सपेरिमेंट करनी है तो ये चीज पे भी करके देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। एक तो हम लोग जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में है तो सब हम लोग सक्सेसफुली देखते नहीं है ना प्रोस्पेक्टिंग। हाँ। जब भी हम लोग 100-150 लोगों को मिलते हैं, उसमें से 50% की पॉलिसी हम लोग को मिलती है, तो ये एक अप्रोच रहेगा। और हम लोग को एक बात मेरी समझ में आई है कि जैसे हम लोग ऑफलाइन कैनवासिंग करते हैं तो एक ऑनलाइन करने का एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप लोग को क्या लगता है? करेक्ट करेक्ट, बराबर प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस तो अच्छा लगता है। करेक्ट। और ये अभी तो नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन ही हम लोग को ज्यादा अप्रोच होते जनरली, और होना पड़ेगा हम लोग में, ये चेंजेस हम लोग को खुद करने पड़ेंगे। अपने को चेंजेस क्या, कस्टमर कस्टमर भी चेंज हो गए और कुछ लाइफ में चेंजेस तो लाने ही है, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हम लोग। और ये BITV के तरफ से हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा BITV ने अच्छा ट्रेंड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म, BITV का ये बहुत अच्छा स्टेज मिल रहा है अभी इसके लिए। देखिए BITV जो है, आप जो जिस मंजिल तक जाना चाहते हो, आप जिस टारगेट को हासिल करना चाहते हो, उस टारगेट को हासिल करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, उसमें BITV एक बहुत बड़ा इंजन है। यस एग्जैक्टली, रफ्तार को तेज करने वाला इंजन है। यस एग्जैक्टली। और ये क्या वीडियो बनाना और ये सब, ये टेक्निकली जो चीज है वो हम लोग को इतना फास्ट तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन BITV के माध्यम से तो हम लोग को काफी सारे वीडियोस और ये बनाने को सीखने को मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आप लोग को क्या लगता है? नहीं, मुझे अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। क्या है, अपन काम बहुत करते हैं लेकिन बाकी चीज नहीं कर रहे, तो एक सपोर्ट मिलेगा तो अपना काम ज्यादा बढ़ेगा। करेक्ट। हाँ, पहले तो हम ऐसा करते थे ना, हम 1-to-1 पहले तो करते थे, तो अभी इसी माध्यम से हम एक हमें एक मार्ग हमें यहाँ पर मिल रहा है कि यस इसी मार्ग से हम जाते हैं तब भी हमारा बिजनेस ये होता ही है। बराबर है सर? एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन रह गया? यस सर, मैक्सिमम कवर कर लिया आपने, अच्छे समझाया मैक्सिमम, अच्छी तरह से आपने हम लोग को एक प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा 1-to-1 जैसे पूरे क्वेश्चन के आंसर दिए, स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन भी दिए। थैंक यू रजीत जी, अपॉर्चुनिटी। आप एक रॉकेट है सर हमारे लिए। हाँ जी, आप एक रॉकेट है हमारे लिए। इसको इस्तेमाल कीजिए, चलिए सर। फिर विद दिस अजम्पशन कि आप लोगों के सारे ही प्रश्न हमने दे दिए हैं, हम आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। तो BITV टॉप लेवल प्रोग्राम, इसके बारे में हमने आज बहुत ही अच्छे डिस्कशन की, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर थे, और उनकी ऐसी सोच है, उनकी ऐसी मानना है कि ये प्रोग्राम जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए रॉकेट का काम कर सकता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस प्रोग्राम में जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू रणजीत जी, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।